फिजिक्स में इतना इंटरेस्ट कैसे आया मुझे, पहली चीज़ तो वो, और फिर फिजिक्स का जो भूत नाम का जो वो था वो दूर कैसे गया, मुझ में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया, और मैं इस लेवल तक कैसे पहुंची सब सर की वजह से। अगर वो इतना मोटिवेट नहीं करते, टाइमली मुझे इतना टाइम नहीं देते, तो कुछ नहीं होता। मतलब प्रॉब्लम आने से पहले वो जानते हैं कि हाँ ये चीज़ प्रॉब्लम है, उसे वो सॉर्ट आउट कर देते हैं। और हाँ, एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पर मैं आकर खड़ी हो जाती हूँ, तो सर मुझे सिचुएशन बता देते हैं, दो रास्ते जहाँ मुझे अपना खुद को चॉइस होती है कि मैं किस साइड जाना चाहती हूँ। ज़्यादातर सर ने मोटिवेट किया है जो फिज़िक्स है वो। मुझे नहीं लगता था कि मैं फिज़िक्स में पास होंगी लिटरेचर, पर जैसे मैंने सॉल्व करी न्यूमेरिकल्स, अभी भी उसमें ऐसा है कि हाँ मैं सॉल्व कर सकती हूँ कॉन्फिडेंस है फुली। जितने भी चैप्टर्स कर रखे हैं उनके डेरिवेशंस वगैरह सब, क्योंकि रिवीजन जो टेक्निक है वो इम्प्लीमेंट सर के आने के बाद हुई है। उससे पहले सिर्फ हाँ लगता था वो चार्ट बनाकर, शेड्यूल बनाकर कि हाँ रिवीजन करना है, उसके बाद वो इम्प्लीमेंट या फिर उसे डेली अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से, किस पैटर्न से यूज़ करना है, वो सर ने ही बताया है। उसकी वजह से ही आज डेरिवेशंस और सारी चीज़ जो इम्प्रूवमेंट है वो उस चीज़ की वजह से ही है, रिविज़न की वजह से। थैंक यू तरुणा, वेलकम सर।